नमस्कार, ओएनआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोगों को वापस दिलाए ठगी के रुपए। ज्यों ज्यों डिजिटल बैंक का काम बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जब फोन पे, पेटीएम, अन्य डिजिटल वॉलेट तथा फर्जी एप्स के माध्यम से ठग सातिराना तरीके से रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ मामलों में ठगे गए लोगों की रकम कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से लोगों को वापस दिलवाई है। जहां सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि पिछले एक साल में उनके पास 7 मामले आए थे, जिसकी रकम 5,61,000 रुपए थी। इनमें से हमने 3,61,000 रुपए लोगों को वापस दिलवाए। और सीएसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आमजन फोन कॉल से पहला फुसला कर या इनाम का लालच देकर व्यक्तिगत अथवा बैंकिंग जानकारी मांगी जाती है तो सावधान हो जाए और ऐसे नंबरों की जानकारी साइबर सेल या पुलिस को दे। जहां ठगी के लोग ऐसे भी आते हैं जो पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद ठगों के झांसे में आ जाते हैं। इन्हीं में से एक पीड़ित ने अपनी आपबीती सुनाते हुए रुपए वापस दिलवाने के लिए पुलिस तथा साइबर सेल को धन्यवाद दिया। ओएनआई न्यूज़ के लिए बालाघाट से जयेश पटेल की रिपोर्ट। ठगी के कुछ मामले सॉल्व। जैसे कि अभी आप लोगों को सबको पता ही है कि काफी ज्यादा साइबर फ्रॉड्स के मामले हमारे बालाघाट शहर में भी काफी बढ़ गए हैं। अलग अलग तरीके से लोग आजकल साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे एटीएम कार्ड का पिन पूछ ले रहे हैं या फोन पे के जरिए या लोन ऐप के जरिए अलग अलग तरीकों से आपको पैसा देने का लालच देते हैं और इस प्रकार से आपकी ठग पैसे का फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे बालाघाट के कुछ 7 मामले थे जिनमें हमारी शिकायत आई थी हमारे साइबर नोडल थाना है जो उसके पास। तो कुल 5,61,000 रुपए की कुछ की ठगी हुई है। इसमें से 3,61,000 रुपए पूरा पूरे वापस करवाए गए हैं हमारे साइबर नोडल थाने के द्वारा, जिनमें हमारी थाना प्रभारी कोतवाली और महिला आरक्षक जो है चांदनी और मेघा, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। और लगातार हमारी कोशिश जारी रहती है कि सबसे पहले हम लोगों को अवेयर रखें कि ऐसा फ्रॉड ना हो, और अगर फ्रॉड ऐसा हो जाता है तो हम प्रयास करते हैं कि तत्काल उसका पूरा पूरा जो राशि है वो वापस आ जाए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा हमें बताने में लेट कर देता है, तो जो फ्रॉडस्टर है वो कई चैनल्स के थ्रू उस पैसे को कहीं ना कहीं और भेज देता है। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सारा होल्ड करवा के उसका पैसा वापस करवाएं, और यदि कोई ऐसा फ्रॉडस्टर है, बड़ा गैंग है, उसे ही पकड़ने का हम निरंतर प्रयास करते हैं। किस तरह का फ्रॉड? जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे कई लोग का एटीएम कार्ड जो एक्सपायर होने वाला रहता है, उन लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि गूगल में नंबर सर्च कर लेते हैं। ये गलती अपन को कभी नहीं करनी चाहिए। गूगल में बहुत सारे फ्रॉड ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें डला रहता है कि SBI का नंबर है या HDFC का नंबर है, जबकि वो नंबर कभी नहीं होता। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उसकी हेल्प डेस्क नंबर से हमें नंबर निकालना चाहिए। कभी भी हम उस नंबर पे बात कर लेते हैं, फिर वो हमसे हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग लेता है, जिससे हमारे खाते से वो एक्सेस करके पूरे पैसे निकाल लेता है। ऐसी एक ऐप है एनी डेस्क, इसको कई लोग बोलते हैं इसको डाउनलोड कर लो। तो जैसे हम उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और अपना पासवर्ड उसका दे देते हैं, तो हमारे पूरे फ़ोन का एक्सेस उसमें चला जाता है। तो ऐसे बहुत से आजकल फ्रॉड्स जो कर रहे हैं, उनके पास ऐसी बहुत सी स्कीम है कि वो हमें तरह तरह से बेवकूफ़ बनाकर हमारा पैसा खाते से निकाल लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि हमें साइबर अवेयरनेस हो, हमारे पास हमें ये अश्योर करना है कि हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी रूप में हो सकती है, अपने पासवर्ड, OTP किसी को ना बताएं, चाहे वो किसी से भी बोल रहा हो कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल उस पर ट्रस्ट ना करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, अपने जो पासवर्ड्स हैं उन्हें थोड़ा अच्छा बनाएं, और कभी भी एक पासवर्ड बहुत लंबे समय तक ना रखें, पासवर्ड भी अपने चेंज करते रहें। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए ONI News India।